नक्सली कनेक्शन मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को गुरुवार सुबह नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। साई बाबा समेत 5 आरोपियों को नक्सल कनेक्शन मामले में मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने मंगलवार को निर्दोष करार दिया था। कोर्ट ने साई बाबा और अन्य 5 को निर्दोष बरी करते हुए 50,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को साई बाबा को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। इस समय साई बाबा के परिवार के सदस्य मौजूद थे। नक्सली कनेक्शन मामले में प्रोफेसर साई बाबा को गढ़चिरौली सेशन कोर्ट ने 7 मार्च 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साई बाबा समेत 5 अन्य आरोपी थे, जिनके नाम महेश तिर्की, पांडु नरोटे, हेम मिश्रा, प्रशांत रही और विजय तिर्की है। इन्हें भी सजा सुनाई थी। कोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए कहा कि यूएपीए के तहत गिरफ्तारी कर मामला चलाने के लिए आवश्यक की अनुमति नहीं ली थी। साथ ही साई बाबा के घर से जब्त किए गए डिजिटल सबूत जब्त करने की कानून की प्रक्रिया को पूर्ण करने का पालन नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए सबूत साबित नहीं कर पाए। फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को 6 हफ्ते तक स्टे देने की मांग की थी, जिसे भी मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने खारिज कर दिया था। Take medical treatment, then only I can speak. My health is very bad. I am not in a position to speak now because of my health condition. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।